हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक इंट्रेंस सेमेस्टर एम कॉम्पिटिशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया था। तो आज के इस क्लास में हम लोग 6 सेमेस्टर मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए है, जो जिनका एक पेपर है मशीन डिजाइन यानी सेकंड यूनिट को हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। उसी में डिजाइन ऑफ नकल जो ज्वाइंट को हम लोग डिजाइन प्रोसीड्योर को पढ़ लेते थे, उसी पर बेस्ड आज हम लोग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल की ओर हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है डिजाइन ए नकल ज्वाइन टू ट्रांसमिट 150 किलो न्यूटन, यानी लोड का वैल्यू दे दिया है। तो गिवन में लिखेंगे गिवन यानी पी इक्वल टू 150 किलो न्यूटन। उसी के बाद कहता है द डिजाइन स्ट्रेस में बी टेकन ए 70 मेगा पास्कल यानी 70 एमपीए इन टेंसाइल, यानी कि सिग्मा टी का वैल्यू दे दिया है कितना, सिग्मा टेंसाइल का वैल्यू दिया 75 एमपीए मेगा पास्कल। उसके बाद हम लोग फिर कहता है कि 60 एमपीए इन शेयर स्ट्रेस, यानी शेयर स्ट्रेस का वैल्यू भी दे दिया है, यानी कि टाउ एस इक्वल टू कितना दे दिया 60 एमपीए। और क्रशिंग स्ट्रेस यानी सिग्मा सी का वैल्यू दिया है आपका 150 एमपीए। तो यहाँ देखिए, तो ये हो गया आपका गिवन डेटा, ये आपको डेटा को उतार लेना है। और उसके बाद देखिए पीज का वैल्यू 150 किलो न्यूटन, यानी कि न्यूटन में हमको रख देना है। तो 150 गुने 10^3 न्यूटन ये हो गया। अब हम लोग इसको डिजाइन प्रोसीड्योर यानी कि स्टेप 1 की ओर चलते हैं। तो यानी कि स्टेप वन में हम लोग क्या करें, डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कैलकुलेट हो गया द डाया ऑफ रॉड डायमीटर, रॉड के डायमीटर को कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग देखिए रॉड ये है आपका, यही रॉड ना आपका रॉड हो गई, ये हो गया डबल आई, ये हो गया आपका सिंगल आई, और एक हो गया आपका पिन लिख लीजिएगा, नकल पिन जोड़ दीजिएगा, ये आपका नकल पिन हो गया। इसके बाद एक आपका कॉलर हो गया, इसको हम लगा देंगे तो जाके ताकि एक दूसरे जगह से न जाए। अब हम लोग डायमीटर को कैलकुलेट करेंगे। तब हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रेस बराबर आते हैं सिग्मा टी इज इक्वल टू लोड अपॉन रेसिस्टिंग एरिया, इसमें क्या हो सकता है, यही क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, यानी कि रेसिस्टिंग एरिया निकी आर ए लिख देते हैं। तब पी का वैल्यू पी रहने देंगे, रेसिस्टिंग एरिया कितना निकलेगा पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, इसको हम डायमीटर यानी कि डी माने, इसको यानी कि रॉड का डायमीटर को हम लोग डी माने हैं, यानी कि डी हो गया। अब यहां से हमको डी, चूंकि डी निकालना तो यहां भेज देंगे, यानी कि डी इज इक्वल टू, अब डी यहां आ जाएगा तो हो जाएगा क्या कि पी अपॉन नीचे 4 है तो ऊपर में चला जाएगा इंटू 4, इधर सिग्मा टी गुने पाई हो जाएगा। तो वैल्यू को पुट करेंगे 150 अंडर रूट 150 गुने 4 सॉरी 10^3 गुने 4 सिग्मा टी का वैल्यू यहाँ देखिए 75 गुना पाई का वैल्यू यानी कि पाई। अब इसको मान कितना आएगा तो कैलकुलेटर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अंडर रूट 150 गुने 10^3 यानी कि गुना यानी कि कैलकुलेट करने पर 52 यानी कि 50.46 आया, क्या 50.46 एमएम में है। तो चूंकि 50 है तो इसको से यानी कि 50 में यानी कि पॉइंट में है तो इसको दशमलव को हटा के मैंने कि सम में लिखे, यानी 50 है तो एकामन तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि विषम है तो हम लोग सम मानेंगे, यानी कि इसको मान लेते हैं टोटल यानी कि 52 एमएम डायमीटर इसका कितना हो गया 52 एमएम 52 एमएम हो गया। उसके बाद हम लोग स्टेप 2 में चलते हैं, स्टेप दो में हम लोग जो डायमेंशन है असेंबली का डायमेंशन उसको निकालेंगे, यानी कि सबसे पहले इसका डायमीटर को निकालेंगे है ना। तो पहला हो गया कैलकुलेट द असेंबली, लिखिएगा असेंबली डिटेल, यानी कि असेंबली जो जो पार्ट है यानी कि सिंगल आई डबल आई इसके जो जो पार्ट है उसको
कैलकुलेट करेंगे, डिटेल को कैलकुलेट करेंगे। तो पहला आप कहोगे इसमें कैलकुलेट द डायामीटर ऑफ किसका, यानी कि नकल पिन का, यानी कि इसको हम लोग माने हैं D1 माने हैं। पिछले लेक्चर में आपको बता दिए थे यानी कि जो डिजाइन प्रोसीड्योर में, तब हम लोग यानी कि D1 इज इक्वल टू फॉर्मूला याद किए थे, D1 इज इक्वल टू D, यानी कि D1 इज इक्वल टू D1 किसका डायमीटर, नकल पिन का डायमीटर हो गया, और D हो गया रॉड का डायमीटर। तो यानी कि D1 इज इक्वल टू D, D का वैल्यू कहता है यानी कि 52 माने हैं, तो यानी कि 52 mm हो गया आपका यानी कि D का वैल्यू। उसी प्रकार सेकंड हम लोग देखें तो किसका निकालेंगे डायमीटर ऑफ, किसका डायमीटर निकालेंगे, बाहरी आई का निकालेंगे, डायमीटर ऑफ आई का यानी आंख के डायमीटर निकालेंगे, यानी कि बाहरी आंख डायमीटर ऑफ आई, चूंकि इसका तो जितना ही रहेगा इसका डायमीटर उतना ही इसका डायमीटर, तो इसको निकालने से यानी आउटर लिख देते हैं, आउटर डाया लिख सकते हैं इसको, आउटर डाया है ना। तो ये हो गया यानी कि इसको माने थे D2, यानी कि D2 इसको टू हम लोग किया जाने फॉर्मूला यानी कि इंपेरिकल रिएक्शन से, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था D2 इज इक्वल टू 2D, यानी कि 2 × 52 तो कितना हो गया यानी कि 104 mm। तो ये आपका हो गया D2 का वैल्यू। अब हम लोग तीसरा में चलते हैं यानी कि आई के डायमीटर निकाले, इसका डायमीटर निकालेंगे। अब हम लोग डायमीटर निकाला किसका, यानी कि डायमीटर निकालना हम लोग का अब नकल पिन हेड का, यानी कि ये जो हो गया नकल और इसका, यानी कि डायमीटर ऑफ नकल पिन हेड ऑब्लिक कॉलर, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम ही होगा, तो इसको हम लोग माने थे क्या D3। तो D3 इज इक्वल टू हम लोग क्या 1.5D माने थे, यानी कि 52 × 1.5 यानी कि 1.5 कितना हो गया, गुना कीजिए आप भी साथ साथ में गुना कीजिए, यानी कि 52 × 1.5 यानी कि आपका आ गया 78 mm आ गया। अब उसके बाद हम लोग चौथा में उसको थिकनेस निकालेंगे, यानी कि थिकनेस निकालेंगे किसका, यानी सिंगल आई का थिकनेस निकालेंगे और डबल आई का थिकनेस निकालेंगे, है ना। तो सिंगल आई का थिकनेस हो गया डबल, यानी कि हम निकालेंगे थिकनेस ऑफ सिंगल आई, सिंगल आई का ये हो गया आपका थिकनेस, यानी कि टी इसको माने टी मान लीजिए थिकनेस, यानी थिकनेस ऑफ सिंगल आई, यानी कि T इज इक्वल टू हम लोग क्या माने थे 1.25D, यानी कि T इज इक्वल टू 1.25D, T इज इक्वल टू 1.25D आप गुना कर दीजिए, 1.25 गुना D के वैल्यू यानी कि पुट कीजिएगा तो कितना आएगा डायरेक्ट 1.25 गुने 52 यानी कि 65 mm आ गया आपका थिकनेस ऑफ, यानी थिकनेस ऑफ सिंगल आई का आ गया। उसके बाद हम लोग पांचवा में थिकनेस ऑफ डबल आई का निकालेंगे, यानी ये हो गया आपका T1 इज इक्वल टू कितना हो गया, T1 इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला याद कीजिए, T1 इज इक्वल टू क्या लिखा है 0.5 यानी कि 0.75D, यानी कि 0.75 गुने 52 यानी कि 39 आ गया, 39 आ गया है ना, 39 mm। उसके बाद हम लोग चलेंगे यानी कि हो गया आपका क्या आप थिकनेस निकालेंगे, इसका थिकनेस यानी कि T2 यानी कि थिकनेस ऑफ पिन हेड, हेड या कॉलर लिख दीजिएगा बराबर, यानी कि T2 इज इक्वल टू 0.05D, यानी कि 52 है तो इसका कितना 26 × 52 यानी कि 26 mm, यानी कि 26 mm। अब हो गया, ये हो गया आपका डायमीटर सॉरी असेंबली का डिटेल निकालेंगे इतना लिखिए आप। उसके बाद हम लोग चलते हैं, उसके बाद अब निकालेंगे हम लोग स्टेप 3 में चलेंगे, स्टेप 3 में हम हम लोग चेक फेलियर को चेक करेंगे, यानी सबसे पहले फेलियर इसमें चेक करेंगे, तो ये सबसे पहले कैसे टूटेगा ये ध्यान में देखिए, तो ये इस तरह से टूटेगा,
क्योंकि यहाँ क्या है, डबल आई है। डबल आई हो गया, सिंगल आई, चूंकि सिंगल आई में फंसेगा और इधर फंसेगा, तो यानी कि ये इस टोटल एरिया, ये दोनों का एरिया, ये दोनों का एरिया पाई बाय फोर, इसका डीवन के है तो डीवन के स्क्वायर, ये दोनों का एरिया पाई बाय फोर डीवन के स्क्वायर। अब हम लोग इसको अब चेक फेलुअर चेक करेंगे, चेक द फेलुअर कंडीशन इन हेड अति सॉरी पिन में, नकल पिन में, यानी कि फेलुअर को चेक करेंगे किससे, तो स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस से हम लोग चेक करेंगे, किस स्ट्रेस से चेक करेंगे, शेयर स्ट्रेस, क्योंकि रेसेस्ट करेगा ना, टूटेगा तो रेसेस्टिंग करेगा, टूटेगा तो रेसेस्ट करके टूटेगा, क्योंकि टेंशन तो टूटेगा नहीं, यानी कि ड्यू टू शेयर, ड्यू टू शेयर स्ट्रेस। अब शेयर स्ट्रेस से हम लोग को चेक करेंगे, तब हम लोग जानते हैं टाउ एस। अब यहाँ देखिए पिछले लेक्चर में आपको बताया था टाउ एस कैलकुलेट करना है, यानी कि हम लोग को कैलकुलेट करना है टाउ एस का वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं लिख दीजिए टाउ कैल लोड अपॉन एरिया, जानते हैं हम लोग, तो लोड ही हो गया पी, तो पी हो गया। अब एरिया देखिए एक गो एक दो एरिया, तीन की हो गया आपका क्या एरिया, दो गुने पाई बाय फोर डी वन के स्क्वायर, यानी कि कट गया है तो दो ऊपर चल गया था टू इंटू पी, नीचे बच गया पाई डी वन के स्क्वायर, यही ना आपका बचा। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे, अब इसके वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, तो इसको वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ देखिए आपका यानी कि कैलकुलेटर का वैल्यू आएंगे दो गुना पी के, यहाँ वैल्यू देखिए पी के डेढ़ सौ गुने, डेढ़ सौ गुने हजार, यानी कि दस के पावर तीन, उसके बाद पाई, उसके बाद डीवन का वैल्यू, यहाँ देखिए डीवन डीवन हो गया आपका, डीवन का वैल्यू बावन, यानी कि फिफ्टी टू के स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू आ गया कितना, यानी कि 35.3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया इसका वैल्यू 35.31 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि अब इसका देखिए 35 है इसका, यानी कि टाउ, यानी कि इसका 35 आ गया कैलकुलेट करने पर, यानी कि टाउ कैलकुलेट इसको लिख दीजिए, टाउ कैलकुलेट इक्वल टू 35.31 न्यूटन पर एमएम, तो ये आपका निकल गया, तो ये आपका निकल गया। अब यहाँ देखिए अब समझने वाली बात है, क्योंकि हमको फेलुअर को चेक करना, टूट रहा है कब, टूटेगा नहीं टूटेगा, तो यानी कि टाउ कैलकुलेटर का वैल्यू यहाँ आ गया, और टाउ गिवन में हम लोग क्या लिखे, यानी कि टाउ कैलकुलेटर यानी कि देखिए यानी 60 मेगा पास्कल है, एमपीए यहाँ लिख दीजिए, यानी कि 60 मेगा पास्कल, और यहाँ आपका आ रहा है 35 है ना, तो ये जो आपका ज्यादा हो गया, तब हम लोग पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बतलाए थे, यानी कि अगर गिवन डाटा रहेगा, गिवन डाटा यानी कि कैलकुलेटर से ज्यादा रहेगा तब हमारा कंडीशन सेफ रहेगा, यानी यहाँ देखिए आपका कंडीशन सेफ किस तरह से होगा, यानी कि गिवन डाटा जो गिवन हम लोग को डाटा लिखे, यानी कि स्ट्रेस का वैल्यू वो अधिक होना चाहिए किससे, कैलकुलेट करके आए उससे, तो यहाँ तो जाहिर सी निकल के अधिक है, तो ये हमारा कंडीशन सेफ है, तो लिखिएगा अब यहाँ लिखिएगा देयर हेयर सॉरी यहाँ लिखिएगा, चूंकि बोल के लिखाते हैं, हेयर लिखिएगा हेयर टाउ कैलकुलेट इज, यानी कि हेयर टाउ कैलकुलेट इज, यहाँ इसे कर दीजिए टाउ कैलकुलेट एंड गिवन आपका हो गया, यानी कि टाउ कैलकुलेट एंड गिवन, टाउ कैलकुलेट इज स्मॉलर देन, टाउ कैलकुलेट इज स्मॉलर देन टाउ गिवन, टाउ गिवन देन आवर, देन आवर डायमेंशन आर, देन आवर डायमेंशन आर सेफ कंडीशन, देन आवर डायमेंशन आर सेफ कंडीशन। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं फेलुअर को चेक करेंगे कहाँ, यानी कि सिंगल आई में एक बार चेक करेंगे, उसके बाद डबल आई में चेक करेंगे, तो सिंगल आई एक बार आप चेक करना, उसके बाद हम लोग को डबल आई में चेक करना। सिंगल आई में चेक कैसे करेंगे, एक बार टेंसाइल स्ट्रेस से करेंगे, एक बार शेयर स्ट्रेस से करेंगे, और एक बार क्रॉसिंग स्ट्रेस से करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टेप फोर में चलते हैं, यानी कि स्टेप फोर, यानी कि चेक द फेलुअर लिख दीजिएगा, चेक द फेलुअर इन आई,
अब ड्यू टू निकालेंगे, ड्यू टू टेंसाइल यानी कि टेंसाइल से यानी कि टेंशन से निकालेंगे। अब टेंशन से निकालेंगे तो टूटेगा, आप देखिए सिंगल आई में, चूंकि यहाँ सिंगल आई लिख दीजिए यानी कि सिंगल आई, तो सिंगल आई को जब तोड़ेंगे टूटेगा, टेंशन से टूटेगा तो ये आपका सिंगल आई हो गया, ये आपका सिंगल आई होगा। तो यहाँ से आपका इस तरह से पोर्शन टूटेगा यानी कि ये पोर्शन नीचे टूट जाएगा और ये पोर्शन आपका टूट जाएगा यानी कि इस तरह से पोर्शन आपका टूटेगा। एक ये एरिया हो गया, चूंकि आपको अपोजिट साइड में तो दिखाई नहीं देगा तो एक एरिया, एक दो एरिया आपका निकल गया। तब इसको एरिया कैसे निकालेंगे, चूंकि हमको इसका चाहिए यानी कि इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस टी हम लोग माने हैं, टी माने हैं, थिकनेस इसका कितना माने हैं यानी कि टी माने हैं। तो लेकिन हम लोग को निकालना है इसमें क्या, अब इसको ई एरिया का लेंथ निकालना है, तो ये निकालेंगे कैसे, डी टू माइनस डी वन दो से भागा दे देंगे, उसी प्रकार ये निकलेगा एरिया यानी कि डी टू माइनस डी वन भागा दो से दे देंगे, ये आपका थिकनेस हो गया। तो हम लोग जानते अब निकालेंगे, अब टेंसाइल यानी कि सिग्मा टी, यहाँ लिखेंगे सिग्मा टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, हम लोग जानते हैं तो लोड आपका पी हो गया, ठीक है। एरिया आपका देख कैसे निकलेगा, यानी कि एल इंटू लंबा यानी कि ऊंचाई गुने चौड़ाई हो गया। तो यानी कि यहाँ लिखेगा इन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं यानी कि डी टू माइनस डी वन अपॉन दो इंटू टी वन हो गया, एक एरिया, एक एरिया दो एरिया, यानी कि दो से गुना करेंगे, दो इंटू डी टू माइनस डी वन अपॉन टू इंटू टी वन, ये आपका हो गया एरिया। अब इस पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यानी कि डायमीटर डी टू का वैल्यू पुट करेंगे और डी वन का वैल्यू और थिकनेस का वैल्यू पुट करेंगे तब हम लोग को वैल्यू आएगा, यानी कि वैल्यू पुट करेंगे तो पी का वैल्यू यानी कि 150, सॉरी यहाँ से तो कट जाएगा, ये तो ऐसे कट जाएगा तो काट दीजिए, 150 गुने 1000 यानी कि 10^3 और नीचे हो गया डी टू का वैल्यू, यहाँ देखिए डी टू आपका डी टू हो गया 104 माइनस 52। अब हम लोग थिकनेस कहाँ निकालें, यानी थिकनेस 65। अब यहाँ आपका कैलकुलेट करके वैल्यू आया कितना, देखिए कैलकुलेट करके वैल्यू निकालिए क्या आपका, कैलकुलेट करके वैल्यू आया 44.37 न्यूटन पर एमएम। तो ये आपका क्या निकल गया, यानी कि ये निकल गया आपका टाउ सिग्मा टी कैलकुलेट का वैल्यू 44.37 न्यूटन एमएम स्क्वायर यानी न्यूटन एमएम स्क्वायर निकल गया, ये हो गया। तब यहाँ आप देखिए सिग्मा टी कैलकुलेटर का वैल्यू कम होना चाहिए, सिग्मा टी यानी सिग्मा टी गिवन से कम होना चाहिए। तो यहाँ सिग्मा टी का वैल्यू देखिए 75 MPa है, यहाँ नहीं 44.37 MPa यानी 1 MPa होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, हो गया तो ये हो गया 75 यहाँ दिया हुआ है इसका 65। अब लिखेंगे देन सिग्मा टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर स्मॉलर देन सिग्मा टी गिवन हेयर, अब लिखेंगे हेयर आवर डायमेंशन, लिखिएगा डायमेंशन आर सेफ कंडीशन हो गया। अब उसके बाद हम लोग चढ़ेंगे यानी कि टेंसाइल से चेक करेंगे, अब चेक करेंगे ड्यू टू शेयर स्ट्रेस है, अब शेयर स्ट्रेस से चेक करेंगे तो शेयर स्ट्रेस में हम लोग को किस तरह टूटेगा। तो ये आपका ये हो गया, तो शेयर स्ट्रेस से आपका इस तरह से टूटेगा, देखिएगा ये पोर्शन हो गया आपका, तो ये आपका एरिया निकल गया उसी जस्ट इस साइड, उसके अपोजिट साइड भी एक एरिया है, यानी इसका चौड़ाई निकालने के लिए हमको इसे इसका चौड़ाई निकलेगा यानी कि डी टू माइनस डी वन पॉइंट दो से भागा दे देंगे, ये आपका थिकनेस टी हो गया। और उसी प्रकार एक अपोजिट उस साइड है तो इसका निकलेगा यानी कि टाउ एस कैलकुलेटेड इज इक्वल टू पी यानी कि लोड अपॉन एरिया, यानी कि एरिया कहाँ हो गया पी, तब पी हो गया एरिया हम लोग को निकला है, देखिए इसमें तब डी टू माइनस डी वन अपॉन टू इंटू थिकनेस कर देंगे, एक एरिया ही हुआ है, एक एरिया अपोजिट में यानी कि दो इंटू डी टू माइनस डी वन अपॉन टू इंटू टी हो गया है ना, तो ये दो से दो कट गया था, चूंकि इस दोनों का सेम ही आ गया था, इसका भी आ जाएगा टाउ एस कैलकुलेटेड इज इक्वल टू आ गया वैल्यू 44.37
37 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब लिख लेगा देन, क्योंकि कम आया यानी कि यहाँ देखिए टाऊ यानी टाऊ एस का कितना वैल्यू है, इससे कम आया तो यहाँ लिखिएगा देन टाऊ एस कैलकुलेटर इज ग्रेट स्मॉलर देन टाऊ एस गिवन, टाऊ एस गिवन, टाऊ एस गिवन। अब उसके बाद तो देन फिर लिखिएगा हेयर आवर कंडीशन आर सेफ। उसके बाद हम लोग अब ड्यू टू, अब चेक करेंगे ड्यू टू क्रॉसिंग। अब हम लोग क्रॉसिंग से चेक करेंगे, आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि क्रॉसिंग मतलब सीधा 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 साधारण भाषा में याद रखिए, जब डल्ला आगे पीछे होता ना है तो क्रॉस करता है, क्रॉसिंग करता है। इसपे मारेगा, इसपे ये हो गया आपका सिंगल आई, तो इसपे मारेगा, इस पे रेसिस्टिंग फोर्स मारेगा। इसको रेसिस्टिंग फोर्स हम लोग कैसे निकालना है, इस तरह से रेसिस्टिंग फोर्स निकलेगा यानी कि इसपे दबाव मारेगा, इस पे दबाव मारेगा तो रेसिस्टिंग एरिया इसको हम सीधा खोल देंगे, तो इस तरह से हम लोग को निकलेगा यानी कि ये हो गया आपका टी और ये हो गया आपका डी वन, है ना, ये हो गया आपका टी और ये हो गया आपका डी वन। तब हम लोग इसको निकालेंगे टाउ सी कैलकुलेटेड इक्वल टू पी अपॉन एरिया, तो हो गया आपका पी का वैल्यू, पी का पी रहने एरिया आपका कितना निकल गया टी इंटू डी वन। अब यहाँ देखिए 150 गुने 1000 10 के बाद 3 लिख लेंगे, टी का वैल्यू देखिए आपका 65, डी वन का वैल्यू आप देखिए 52 हो जाएगा, पुट करके यानी कि वैल्यू आ गया आपका कैलकुलेट करके 44.37 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि ये भी आपका कम हो गया, यानी कि सिग्मा सी से वैल्यू 150 मेगा पास्कल यहाँ है, तो लिखिएगा देन सिग्मा सी कैलकुलेटर इज स्मॉलर देन सिग्मा टी गिवन, सिग्मा सी गिवन देन आवर कंडीशन आर सेफ। तो ये हो गया आपका, अब सिंगल आई में फेल्यूर का चेक कर लिए कि कौन किस कंडीशन में फेल्यूर, टेंसाइल में फेल्यूर नहीं हुआ, उसके बाद आपका शेयर स्ट्रेस में भी फेल्यूर नहीं हुआ, उसके बाद क्रॉसिंग स्ट्रेस में भी फेल्यूर आपका नहीं हुआ, तो ये आप उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग अब डबल आई में चलें फेल्यूर को चेक करें।